अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। देखो डिटर्मिनेंट है, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दिस, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे जब भी हम डिटर्मिनेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वो या तो एक रो या एक कॉलम का डिफरेंशिएट होता है, तो हम लोग रो वाइज करेंगे, यानी पहले इस रो का डिफरेंशियल करेंगे, फिर इस रो का, फिर इस रो का। तो पहली रो का डिफरेंशियल करेंगे f डैश x, g डैश x, h डैश x, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बीच में प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड रो का डिफरेंशियल करेंगे तो पहली वाली रो सेम रहेगी और सेकेंड रो क्या हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो, क्यों, एल एम एन जो है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, ए बी सी प्लस पहली रो और दूसरी रो सेम रहेगी, ये हो जाएगी जीरो 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 क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम अगर जीरो हो जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर एक रो या दो रो और दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो भी हमारा डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं डिटर्मिनेंट के लिए। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही प्रूफ करना था हमें।